तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होता है कि दो वेरिएबल हैं जिसके कारण हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन ये होता है कि किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो, उससे ज्यादा ना हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल है, मान लो एक्स और वाई। स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड मतलब मोस्टली किस तरह का इक्वेशन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उसके कारण लीनियर इक्वेशन कैसा बन सकता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसकी मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए। तो वन जब रहता है तो हम लिखते भी नहीं है उसको। तो इसको अब बनेगा कैसे, ए प्लस सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, ऐसा कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में हो उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, मतलब ए की जगह कोई सी वैल्यू हो सकती है और ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ये होता है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सी हो सकता है जीरो, क्यों, क्योंकि अगर सी के जीरो होने से ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर वन चाहिए, तो इन दोनों को अफेक्ट नहीं करता है सी, इसलिए सी की जगह जीरो भी हो सकता है। लेकिन ए और बी अगर जीरो होते हैं तो एक्स हट जाएगा पूरी तरह से। देखो अगर ए इक्वल टू जीरो रखा तो मैंने यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू एक्स जीरो, तो ये पूरा हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी वाई इक्वल टू सी। तो दो वेरिएबल है नहीं यहाँ पे, ये भी एक कोई वैल्यू होगी हर इक्वेशन में, ये भी एक वैल्यू होगी, तो वेरिएबल बस एक ही रहेगा। तो इसको हम ये नहीं बोल पाएंगे इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वन वेरिएबल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा इसका सही फॉर्मेट ये रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड रूल कह सकते हैं, स्टैंडर्ड रूल ये रहता है कि ax plus by equal to c, और a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और b भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी ये पढ़ लिया हमने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होता है, ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट होता है। तो अभी इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो इक्वेशन दिए रहते हैं, क्या होता है जब इन वन वेरिएबल था तो हमें केवल एक ही वेरिएबल था, हम उसको सॉल्यूशन निकालते हैं और आंसर भी आ जाता है। जैसे एक नॉर्मल बताता हूं वन वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है और ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ना कि टू वेरिएबल। जब हम टू वेरिएबल की बात करते हैं तो टू वेरिएबल में ऐसा होता है कि हमें दो वेरिएबल रहते हैं, जब हमारे पास एक वेरिएबल था तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। एक वेरिएबल एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अगर है तो हम एक्स इक्वल टू माइनस वन रख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी दूसरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब ध्यान देना ये पूरा इक्वेशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर केवल क्वेश्चन में ये दिया है तो हम इसको एक्स की भी वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, वाई की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ना एक्स पता है ना वाई पता है, तो तुक्के ही लगा सकते हो इसमें, डायरेक्ट आंसर तो निकाल नहीं सकते। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें टू वेरिएबल रहते हैं उसमें आपको आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब अगर टू एक्स प्लस थ्री वाई टू जीरो है तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्या है वाई क्या है ये बताना है, और इसका पूरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि थ्री एक्स प्लस फोर वाई रहेगा, या कुछ भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन रहता है इसका पूरा। तो यहाँ पे हमें इसको कहते क्या है, जब ये दोनों एक साथ मतलब ऐसा कुछ रहता है कि इन दोनों में कुछ कंपेरिजन करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इस पूरे को कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि ये पेयर में रहते हैं और दो वेरिएबल के कारण ही इनको पेयर में रखना पड़ता है, क्योंकि पेयर में रहेंगे तभी एक्स और वाई की वैल्यू निकल पाएगी। दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन, तभी उनके एक्स वाई जेड निकल सकते हैं। एक्स वाई जेड अगर रहेगा क्वेश्चन में तो उसके लिए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, और उसको भी अगर एक्स वाई जेड को निकालना रहता है तो वो पेयर में ही निकल सकते हैं, लेकिन वो पेयर नहीं कहलाएगा, वो तीन इक्वेशन रहेंगे और तीन इक्वेशन को एक साथ सोल्व करेंगे तो एक्स वाई और जेड निकलेगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।